प्रैक्टिकल राइटिंग सेक्शन बता रही थी मैं। जैसे अब बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई स्टोरी लिखते हैं हम, तो पहले क्या कहते हैं, एक बिल्ली थी। तो मैंने सिखाया था ऐसे सेंटेंस, देयर वाज अ कैट। अब बार बार कैट नहीं लिखेंगे एनिमल के लिए, अब क्या लिखेंगे, इट। जैसे वह काली थी तो इट वाज ब्लैक इन कलर। कलर किसी का भी ऐसे लिखते हैं, इट वाज ब्लैक इन कलर। वह बहुत नॉटी थी, बहुत शैतान थी, तो इट वॉज वेरी नॉटी। अब आपने कहा उसको दूध बहुत पसंद था, इट लाइक्ड मिल्क वेरी मच। उसे दूध बहुत पसंद था, वह बहुत तेज भागती थी, तो इट रैन फास्ट। इस तरह से आपने ये कैट पर लिखा। इसी तरह मान लीजिए कोई कहानी हमें और बनानी है, एक कौआ था तो क्या होगा, एक कौआ था, देयर वाज अ क्रो, वह बहुत प्यासा था। तो क्रो के लिए फिर बताया ना, एनिमल के लिए क्या लगता है, इट। इट वाज, बार बार क्रो नहीं लगाएंगे, इट वाज वेरी थर्स्टी, thirsty, थर्स्टी मतलब प्यासा था, वह पानी पीना चाहता था, तो इट वांटेड, वांटेड मतलब चाहता था, वह चाहता था टू ड्रिंक वाटर। वह ऊपर उड़ा, इट फ्लू ओवर एंड ओवर, ऊपर और ऊपर उड़ता गया। उसने एक घड़ा देखा, इट सॉ, उसने देखा। सब ये पास्ट फॉर्म लग रही है, मैंने आपको फॉर्म का वीडियो भी भेजा है ना ऐसे, और आपकी बुक्स में भी है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है, तो इट सॉ अ पॉट। वह नीचे आया, इट केम डाउन, घड़े में पानी बहुत कम था, तो देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट। जैसे मैं बना रही हूँ ना बेटे, बार बार दो तीन बार बनाइए तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एक्चुअली बुक्स तो बहुत हो गई, बुक तो दिवाली बाद स्कूल खुलेगा, आधा आधा सिलेबस तो लगभग हो गया। पानी बहुत कम था, इट थॉट, थॉट मतलब सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। इट थॉट अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा। इट ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। इट ब्रॉट पेबल्स, पेबल्स मतलब कंकड़, एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब गिराए, देम देम क्या कंकड़, एंड ड्रॉप्ड देम into the pot, पॉट में कंकड़ गिराए। पानी का लेवल ऊपर आ गया, the level of water rose, rose मतलब ऊपर आ गया। it drank water, उसने पानी पिया, and flew away और उड़ गया। अब आप लोग कछुए खरगोश की कहानी सबने सुनी है ना, कि कछुआ धीमे दौड़ता था, खरगोश तेज दौड़ता था, उन्होंने रेस का बैट लगाया। इस तरह की एक स्टोरी जिसको इंग्लिश में आया इंग्लिश में, हिंदी में आया हिंदी में, लिख के फ़ोटो भेजिए। जिसको समझ नहीं आया वो पूछिए व्हाट्सएप पे।